उन्होंने लिखा है कि महाशिवरात्रि के दिन उनके फूफा और उनकी फूफी दोनों की डेथ हो गई। फूफा उनके लगभग 93 इयर्स के थे और फूफी लगभग 90 को टच कर रही थी। तो इन्होंने लिखा है कि ऐसा बहुत बार हमने देखा है, मैं इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, मैं हिंदी में करके आपको बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि बहुत लोग जो ऐसे बहुत क्लोज होते हैं कपल, वो बहुत आगे पीछे ही उनकी डेथ हो जाती है और कई बार सेम डे या एक दो दिन में ही वो हस्बैंड वाइफ जो है दोनों का ही प्राणांत हो जाता है। ये बड़े गहरे जुड़ाव से होता है। मैं ऐसे दो भाइयों को जानता हूँ जो दो भाई दुकान करते थे, बराबर बराबर की दुकान, दोनों की परचून की दुकान, दोनों की शादी एक घर में हुई, एक ही दिन हुई, एक ही दो मतलब दो सगी बहनों से हो गई, एक ही परिवार में मतलब शादी हो गई। और क्या हुआ कि एक आदमी जैसे दुकान को संभालता था, दूसरा राशन या सामान लेने के लिए शहर जाता था। वो जिस दिन शहर दूसरा भाई सामान लेने के लिए गया, दोनों जुड़वा भाई थे, जब वो सामान लेकर के वापस लौटा तो पता चला जो बड़ा भाई था उसकी डेथ हो गई। तो जिसकी डेथ हुई, जो छोटा भाई सामान लेने गया था, उसने कहा ये कैसे हो सकता है, तुमने हमने सारे काम जीवन में साथ साथ किए, हर काम साथ किया, तुम अकेले कैसे जा सकते हो, तुम अकेले तुम नहीं जा सकते हो। और जूते चप्पल अपने उतार करके उनके बराबर में लेट गया ऐसे रोते रोते और विलाप करते करते। तो परिवार के लोगों को लगा और लोगों को लगा, घर के लोगों को लगा कि भाई ये थोड़ा सदमे में है या भाव में है, और ये उनको फिर वो हिलाएं और बात करें कि नहीं नहीं उठो तुम क्या कर रहे हो, ये देखा थोड़ी देर में वो खत्म होंगे, वो मतलब 10-20 ये अपने संवाद बोले और बराबर में लेटे और सांस इतनी गहरी खींची, समाप्त कहानी। कि गहरे जुड़ाव की बात है। आपने सुना होगा हुमायूं और बाबर की कहानी सुनी होगी आपने, कि बाबर ने हुमायूं को बचाने के लिए उसके चारपाई के चक्कर काटे और वो जो एक आप सुनते होंगे दे दिया ले लिया ले लिया ले लिया, ये डिटर्मिनेशन बड़े गहरे होते हैं। और वो मतलब पुत्र बच गया और पिता की मृत्यु हो गई, या पिता मर गया पुत्र बच गया तो पिता चले गए। मतलब ये परस्पर आप इसमें सोल के आदान प्रदान से इस तरह की चीजों को गहरे जुड़ाव से कर पाते हैं। तो ऐसा हो जाता है जब आपका बहुत गहरा जुड़ाव कहीं हो, तो ये फिर आत्मा के लेवल पर हो जाता है। फिर जब एक आत्मा परागमन को जाती है तो दूसरी आत्मा उसका अनुकरण करती है। तो बहुत गहरे जुड़ाव से संभव है, लेकिन बहुत कम कपल्स में या बहुत कम लोगों में ऐसा हो पाता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने जीवन में अपनी सुनी हैं, लेकिन ऐसा होता है और ये संभव है और ये चीज़ें हो जाती हैं। इसे कोई अच्छा बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ठीक ही है। और कई बार ये भी होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो जैसे कहते ना कि अमीबा और पैरामीशियम, जो मैं बोलता हूँ कि द अनदर हाफ, हमारा आधा हिस्सा, हमारा श्रेष्ठतम आधा हिस्सा है कहाँ, पूरी मोहब्बत की, पूरी प्रेम की, पूरे लव अफेयर्स की यात्रा उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो हजारों साल लाखों साल पहले जैसे अमीबा और पैरामीशियम, जो बायोलॉजी को जानते हैं वो समझते होंगे कि एक कोशीय जीव होता है, उसी में मादा उसी में स्त्री होती है। कुछ लंबे समय के बाद उसके दो हिस्से हो जाते हैं टूट करके, फिर उसमें दो नर मादा बन जाते हैं, फिर ऐसा टूटता रहता बिखरता रहता। तो ये जो कभी कालांतर में, कभी सृष्टि के शुरुआत में, जब कभी सृष्टि बन रही होगी लाखों वर्ष पूर्व, तो हम भी आती ना कथा बाइबल में, तो पूरी कथा है कि वो पुरुष के पसली को लेकर के और वो माद इसका एडम की उससे हड्डी से और ईव का निर्माण हुआ, और हमारे यहाँ मतलब मुस्लिम लोग उसको हव्वा खातून और हिंदुओं में शिव पार्वती, इस तरह से पूरी कथाएँ प्राचीन रूप में मिलती हैं कि कैसे एक अंग से दो अंग बने। तो वो एक अंग अगर इतना गहरा जुड़ जाए दूसरे अंग के साथ, एकाकार हो जाए, और फिर एक अंग का समय समाप्त हो तो दूसरा अंग भी फिर उसका अनुलोम उसका अनुकरण करता है, उसके पीछे चलता है, अनुगामी हो जाता है। तो ऐसा संभव है और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि कई रूप में अच्छी भी होती है। बहुत बार ये भी होता है कि जितना ध्यान पति पत्नी या जो आपके साथ रहने वाले साथी हैं वो रखते हैं, फिर उनके बाद एक बात ये लगती है कि मेरा कौन ध्यान रखेगा या मैं अब किसके लिए जूं या रहूं। ऐसी भावना जब बहुत गहरे अर्थ में आत्मा इतने गहरे अर्थ में उसको आत्मसात कर ले कि उसे लगे कि मैं अब ये स्थान मेरे लिए नहीं, तो शरीर को त्याग देती है, शरीर को छोड़ देती है, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं। आर्याम अभयम्।